और ये तो आदर क्या है तू तो? हो गया भाई ये सही हूं बिना कैलेंडर ही मिलता था गाड़ी ऑलमोस्ट फाइनल कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बस दो तीन काम है रूटीन के। एक गाड़ी मेरा प्लान है बाय करने का ना, वो मैंने देखने जाना है, उसको थोड़ा चेक करना है, फिर उसकी बातचीत करनी है। ए बावा देख भरी बैठा थे पानी सारा गोडा ते भी थे बावा ते भी थे। फिर मैं गया देख शाहपुर दीन जनाब अली प्लास कोटा रे रबड़ नाल पानी पींदा करा गिलास नाल ओ हटा ते बाद मैं तो भाई बोक नाल शुरू की गया मैं के बाई तो गोडा ला के पानी पीता ही नहीं है जी। मैं वुजू कीता है तेरी बैठे हो लो रेस्टोरेंट नहीं गए उधर ही बैठे हो राती लाला सारी रात बंदा हेक आया ठक 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 ठक। हाँ जी मैं सुनता पाया तू जाया ठक 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 ठक। हाँ जी मैं तो सारी रात आने तो मजा होने चाहिए बचा ले मेनू इस क्वार्टर तो साईं लाल रख मैं सारी रात जागा कसम से बस कसम खुदा दी सर सिर्फ दो घंटे सुता बस सुबह 6 बजे इतने आ गया जल्द इतने सारा काम करके जल्द वापसी गया तो रस्ता गया फुल तो फौजियाँ वन चढ़िया सर ना सारे को हेलमेट ना सारे को कुछ है अलमारी बंद की वह त्रै बंदे आ गए ना जेड़े राती खरपाटे मारे सर तो मरचा की चूंडी कौन ही पई नहीं तो मैं नक जे दबा तो सारी रात सब ना समया जवेद निकला बहर तो अबू ओले जाकर गाड़ी निकालो जवेद 2 मिनट खोलो तेरे गड्डी साफ कर दे 2 मिनट बाद अबू आता जी मैं गाड़ी निकालो जी अगे अबू आता नहीं मैं तेरा और मुँह नहीं पढ़ाया अल्लाह के नाम पे अल्लाह के नाम पे थोड़ा मारा ते कहते हाँ जी मारा ना जी थोड़ा ऐसा ही नुगोरे दे तनु जी हाय हाय मेरे के दिल जो आवाज आती है दिल लुक जाना मैं आगे ये गोदे दे मार दें तो दिल ही जी तकलीफ शुरू थी मैंने ऐसा ही हूँ क्या क्या है तू अब मैं ऐसा ही हूँ और जो तू आदर क्या है तू ते वो क्या दाई ऐसा ही हूँ क्या नई ताजी है जनाब? बस क्या नई ताजी मैंने नीम भाई से बात की थी मौसम भी आजकल बड़ा अच्छा है और गर्मी भी नहीं हो हम तो सिर्फ जाते काम के काम के लिए ऐसे ही है इंशाल्लाह प्लान करें जनाब आज अब ठीक से ना कराया वॉश भी इधर घर पे ही किया इलियास भाई अच्छा बहुत लड़का है सर खुदा पे वैसे तो 12 सीटर है लेकिन खुले खुले जो है ना वो 8 लोग बैठ जाएंगे पीछे नॉर्मल इसकी ब्रेक्स हैं क्योंकि ये स्ट्रेट टेक्नोलॉजी है
के समझे बनी कच्चे की गाड़ी। अंदर आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लोड डालें और इसको फिर चलाएं, क्योंकि इसके पीछे होती कमानी। नाल कैलेंडर ही मिलता था। ए सर जवेद नु ते मेनू लै दो, असा मुल्तान लाहौर चला तू सर। ये सर जी इस्तेमाल होती है शिकार के लिए, ये ले जाते हैं शिकार की आगे गाड़ियाँ होती है, ये साथ लेके जाते हैं, इसके अंदर सामान फुल उतने लोड किए होते हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है ना कच्चों में पहाड़ों में ये रुकती नहीं कहीं पे। आज आपको दिखाऊं, जैसे आज इसकी गाड़ियों के कपड़े ही उतार रहा था, ये एक घर की गाड़ी है, एक घर और है इनका 40 कनाल में है, उधर इस्लामाबाद में उधर अलग खड़ी है, कोयटा अलग खड़ी है, कराची भी सामने खड़ी है। ऐसी पाँच छः हैं। आपको फील नहीं होगा अंदर है प्लेन का, अनलॉक कर देना इसको। सर इसमें दो टेक्नोलॉजी आती है फाइव डोर में, एक 3.6 और 3.8, ये 3.8 लीटर वाली है। इंपोर्ट है या ऑप्शन है? सर ये एक फॉर सेल है। अच्छा, ये सर पे 3.4, ये और है। ओके, वो वाली और है, कौन सा मॉडल है सर? ये 10 है, लेकिन ये डीजल है या पेट्रोल है? एक सर पे पुराना 94 अमेजोन खड़ा हुआ जिंदे वाला। आप पराठे चलाते हैं ये चलाए काफ़ी हुआ है, काफ़ी चला हुआ शायद। एक इस तरह का क्रूजर हमारे पास खड़े कोयटा में, सर वो वैसे तो 99 अमेजोन है, लंदन इंपोर्ट की, बाबा ने खुद ही ये तीनों गाड़ियाँ खुद ही मंगवाई थी, एक ये वाली है, एक कोयटा वाली है, और एक चचा के पास खड़ी है। सर ये सात है, इसकी चाबी मंगवाओ। सात का वैसे रेट क्या है? ग्रे रिक्लाइनिंग सीट्स, ग्रे कर्टन, और ये मतलब ये ग्रे पैकेज वाली गाड़ी है। वो कौन सा मॉडल है सर? वो 2017। ये तो 2000 सीसी वाली होगी, ये 3000 सीसी के बाद तो फिर हाइब्रिड आ गई है ना। ये एम्बेसी सरेंडर्ड गाड़ी है। कौन सी एम्बेसी की थी सर? ये ईरान एम्बेसी की गाड़ी थी। क्या पैसे हैं सर? ये 400+। क्यों इतनी महंगी क्यों सर? ये इंजन वाली गाड़ी है। जो अब लेटेस्ट आई है इलेक्ट्रिक, उसकी आजकल क्या प्राइस? आजकल i7 सर 7-7.5 करोड़ का। क्योंकि उस दिन से एक गाड़ी यही मुझे पसंद थी, वो मैंने ली है। एक और मुझे इनकी गाड़ी पसंद है, वो ये बेचना नहीं चाहते। यहाँ पे खड़ी की हुई हैं इन्होंने गाड़ियाँ, एक प्लाजे में खड़ी की हुई हैं गाड़ियाँ, इस्लामाबाद में खड़ी की हुई हैं, इसके बाद कोयटा में इन्होंने खड़ी की हुई हैं गाड़ियाँ। इतना क्रेज़ी शौक शायद किसी को, मैंने तो नहीं देखा भाई। इसका देख लें, कोई अभी तक हुआ नहीं है, कोशिश कर लें मज़ीद भी, और NOC भी मुझे जल्दी चाहिए इसका। अपने हिसाब से मतलब सेट कर सकते हैं ये, उनके स्टीयरिंग भी फिर उसके हिसाब से जो है घिस जाते हैं। चलें भाई, बहुत मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे, बड़ा मज़ा है गपशप लगा के सीखे। ये रूम के साथ यही आते हैं, यही ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ,
वहम से लेते हैं, बाहर से गाड़ी नहीं खरीदते। माशाल्लाह, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब खैरियत है? सब ये ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। एक दो चक्कर पहले लगाए थे, आप चले गए थे? ये भी मैं लकीली वो बैठा हूँ, वरना 4 बजे तो मैं चले जाता हूँ उधर स्विमिंग। वो एक काम था तो वो रुके, अभी जस्ट अभी साहब को भेजा मैंने। आप बताएं, कुर्सी दो। नहीं, चलता हूँ, इनके पास देख लिए जाके, गाड़ी ऑलमोस्ट फाइनल कर ली है। लड़कों को तो गाड़ी पसंद नहीं आई, तो कहते हैं कि ये पूरी बस है। मुझे पसंद है, मुझे इस तरह की गाड़ियाँ पसंद हैं, वेंटेज टाइप, ओल्ड स्टाइल टाइप जो है ना गाड़ियाँ, मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं पहले भी खरीदता रहता हूँ। अच्छा, मैंने अकाउंट नंबर ले लिया, इनको पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर परचेज करेंगे, और शायद मैं इस पर जो है ना टूर करूँ कोई ना कोई, क्योंकि ये ऑफ रोडर गाड़ी है। अफ्रीका के लोग हो गए, अमेरिकन हो गए, इन लोगों के पास ये गाड़ी होती होती है। बस आज का दिन भी क्लोज करेंगे, गाड़ी का ऑलमोस्ट फाइनल है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ये परचेज़ करूँगा, यानी ये लोग जब मुझे हैंड ओवर करेंगे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा।